हेलो एंड वेलकम टू मेट मोटर हिंदी। मैं हूं आफ्ताब। 125 सीसी सेगमेंट इंडिया के अंदर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती है जो हमें चाहिए, लाइक लुक्स, पावर, माइलेज, कंफर्ट एंड रीसेल वैल्यू। साथ ही साथ आपको इसमें फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की टॉप 10 125 सीसी गाड़ियों के बारे में। वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपका कोई डाउट रहेगा, कोई कन्फ्यूजन रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ आपके मन में भी अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे बनाऊंगा। दोस्तों, 2023 की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं हमारे इस लिस्ट की 10th पोजीशन गाड़ी के बारे में, जो कि है एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी, KTM RC125। इस गाड़ी में 124 सीसी का लिक्विड कूल DOSC FI BA6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो 14.5 PS ऑफ पावर एंड 12 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में 6 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स मिलता है, 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो 38-40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देता है। इस गाड़ी का प्राइस 1,82,000 है, एक्स शोरूम। 9th पोजीशन पर है KTM ड्यूक 125। इस गाड़ी में RC125 वाला ही इंजन देखने को मिलता है। डिफरेंस बस इतने का है कि RC125 में आपको पूरा फुल फेयर्ड देखने को मिलता है और ये एक स्पोर्ट्स नेकेड गाड़ी है। बाकी इंजन के मामले में दोनों गाड़ी सेम है। 124 सीसी का लिक्विड कूल DOSC FI BA6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो 14.5 PS ऑफ पावर एंड 12 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में 6 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स मिलता है, 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो 38-40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देता है। लेकिन प्राइस के मामले में यहाँ पे 2-4 हज़ार का डिफरेंस है। इस गाड़ी का प्राइस 1,78,000 है, एक्स शोरूम। हमारे इस लिस्ट में 8th पोजीशन पे है हीरो सुपर स्प्लेंडर। इस गाड़ी में 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.8 PS ऑफ पावर एंड 10.6 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आती है ये गाड़ी। 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है इस गाड़ी में, जो 55-58 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देता है। अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी का प्राइस 78,500 से शुरू होता है और 84,100 तक जाता है, एक्स शोरूम। 7th नंबर पे है होंडा साइन। इस गाड़ी में 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.7 PS ऑफ पावर एंड 11 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आती है। 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो 58-60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देता है। ये गाड़ी 77,800 से शुरू होती है और 84,400 तक जाती है, एक्स शोरूम। 6 नंबर पे है बजाज पल्सर 125। इस गाड़ी में 124 सीसी का एयर कूल DTSI ट्विन स्पार्क इंजन देखने को मिलता है, जो 11.8 PS ऑफ पावर एंड 10.5 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आती है। 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देता है। इस गाड़ी का प्राइस 89,200 से शुरू होता है और 91,600 तक जाता है, एक्स शोरूम। 5th नंबर पे है बजाज पल्सर NS125। इस गाड़ी में 124 सीसी का एयर कूल्ड 4 वाल्व DTSI SOSC इंजन देखने को मिलता है, जो 13 PS ऑफ पावर एंड 11 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आती है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो 52-55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देता है। इस गाड़ी का प्राइस 1,04,300 रुपीस है, एक्स शोरूम। हमारे इस लिस्ट में 4th पोजीशन पे है बजाज सिटी 125X। ये गाड़ी वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट गाड़ी है 125 सीसी सेगमेंट की, और इस गाड़ी में इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इसलिए इस गाड़ी को मैं 4th पोजीशन पर रखा हूँ इस लिस्ट में। तो इस गाड़ी में 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.9 PS ऑफ पावर एंड 11 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है इस गाड़ी में, जो 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देता है। इस गाड़ी का प्राइस 71,500 से शुरू होता है, 74,700 तक जाता है, एक्स शोरूम। दोस्तों, 3rd नंबर पे है ग्लैमर। ये गाड़ी 124 सीसी एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो 10.8 PS ऑफ पावर एंड 10.6 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है।
इस गाड़ी में 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है इस गाड़ी में, जो 55 टू 58 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देता है। इस गाड़ी का प्राइस 79,000 से शुरू होता है और 85,300 तक जाता है एक शोरूम। और दोस्तों, जो सेकंड नंबर पे हमारी गाड़ी है वो है होंडा SP125। अब इस गाड़ी को मैं सेकंड नंबर पे इसलिए रखा हूँ कि इसमें कुछ डिसएडवांटेज है जो मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो इस गाड़ी में 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.8 पीएस ऑफ पावर एंड 10.9 एनएमएफ टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है इस गाड़ी में, जो 55 टू 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देता है। इस गाड़ी का प्राइस 83,500 से शुरू होता है और 87,500 तक जाता है एक शोरूम। अब दोस्तों, इसमें इसका दूसरे नंबर पर रखने का रीजन यही है कि इसका जो लुक है ना, वो थोड़ा सा बल्की टाइप का लुक है, थोड़ा स्पोर्टियर लुक नहीं है। देखने में आपको कमूटर जैसा ही लगता है, ऐसा लगता है कि कोई 35 से 40 50 साल का बंदा इसको चलाने वाला है, तो कुछ ऐसा इसका मतलब एक ओवरऑल डिजाइनिंग देखने में लगता है। और इसका जो रियर टायर है ना, वो बहुत ही पतला है, इसलिए इस गाड़ी को मैं दूसरे नंबर पर रखा हूँ, वरना ये गाड़ी फर्स्ट नंबर यानी पहली नंबर डिजर्व करती है। हमारे इस लिस्ट में फर्स्ट पोजिशन पर है TVS Raider 125। ये गाड़ी अपनी सेगमेंट की यानी 125 सीसी सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट स्पोर्टियर लुकिंग गाड़ी है। इसका डिजाइनिंग और इसका लुक एक हायर सीसी गाड़ी को रिजेंबल करता है और इसी कारण इस गाड़ी को मैं फर्स्ट पोजीशन पर रखा हूँ। ये रहा एक कंप्लीट वीडियो 2023 की टॉप 10 मोस्ट 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ियों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।